नमस्ते। नए शैक्षणिक साल में आप सबको मेरी शुभकामनाएं। बच्चों, क्या आप लोग घर में ठीक है ना? तो आपको अपनी हिंदी पुस्तिका देखना है। इसमें कुल 5 इकाई है ना? आज हमें पहला इकाई का पहला पाठ शुरू करना है। बच्चों, इसके शुरुआत में 3 पंक्तियों वाली एक छोटी सी कविता आप देखा? हाँ, इसका नाम क्या है? किसी को बता सकते हो? नहीं तो मैं बताती हूँ, ये तो हाइकू कविता है। ये हाइकू कविता की विशेषता क्या है? ये तो एक जापानी कविता है। इसमें 3 पंक्तियां होती है। पहली पंक्ति में 5 अक्षर है, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी में 5, कुल 17 अक्षर होते हैं। ठीक है? तो बच्चों, अब देखिए ये हाइकू कविता में क्या लिखा है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। इससे हमें क्या क्या आशय मिलती है? हाँ, वृद्धाश्रम से एक चिट्ठी आई, इसमें क्या लिखा है? कैसे हो बेटा। किसने लिखा है? माँ अपने बेटे के नाम पर लिखा हुआ चिट्ठी है। बच्चों, स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक प्रश्न आते है, ये माँ कैसे वृद्धाश्रम में आ गए? बच्चों, आज पारिवारिक संबंधों की परिभाषा बदल रही है। बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंकते हैं। यह एक सामाजिक विपत्ति है। इस प्रकार की एक कविता है हमारे पहला इकाई का पहला पाठ, पुल बनी थी माँ। इसकी रचना श्री नरेंद्र पुंडरीक ने किया है। तो आइए देखें पुल बनी थी माँ कविता। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुक छुक छक छक। तो बच्चों, नए शब्दों का अर्थ देखिए। पुल माने पुल, ब्रिज, बेधड़क फ्लुएंटली, बत्ती लाइट, लाल रेड। तो बच्चों, कविता की आशय या भावार्थ देखिए। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ। माँ अपने संतानों के बीच पुल बनी थी। ये पुल दो किनारों को आपस में जोड़ती है। इसी प्रकार माँ घर में अपने बच्चों के बीच में एक पुल के समान थे, जिसमें माए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क। बेधड़क माने बिना किसी बाधा से। माँ बिना किसी बाधा से घर के सारे काम करती ही रहती है। वह अपने बच्चों के बीच एक पुल के समान थे। बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुप छुप छक छक। देखिए, यहाँ कवि इस प्रकार बताते हैं कि माँ रूपी पुल से बच्चों की जिंदगी रूपी रेलगाड़ी बिना किसी रुकावट से चलती ही रहती है। ठीक है? तो आगे देखिए, पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि बूढ़ा रही है माँ। नए शब्द देखिए। अचानक माने सडनली, टूटे फॉरगेटफुलनेस, धीरे धीरे स्लोली, मानना टू एडमिट। देखिए बच्चों, पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ। ये पिता के बाद माने क्या है? पिता के मृत्यु के बाद माँ ही अपने घर में सर्वस्व था। अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। अचानक माने सडनली। माँ अचानक कभी भी नहीं टूटती थी, लेकिन धीरे धीरे टूटती रही। टूटे माने फॉरगेटफुलनेस। बच्चों को समझ गया कि माँ की उम्र बढ़ रही है और उसे
टूटती ही रहती थी। हम देखते रहे और मानते रहे कि बूढ़ा रही है माँ। हम बच्चों को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि माँ शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल हो गई। ठीक है, तो बच्चों इसका आशय मैं एक बार और भी बताती हूँ। माँ अपने संतानों के बीच पुल बनी थी। पुल दो किनारों को आपस में जोड़ता है। माँ परिवार के हर सदस्य को आपस में जोड़ने वाली कड़ी रही। इस माँ रूपी पुल से बच्चों की जिंदगी रूपी रेलगाड़ी बिना किसी बाधा से चलती रही। पिता के चल बसने के बाद भी भाइयों के बीच माँ पुल बनी रही। माँ धीरे धीरे टूटने लगी, यानी मानसिक और शारीरिक रूप से वह कमजोर होने लगी। ठीक है स्टूडेंट्स, द पोयम पुल बनी थी माँ रिटन बाय श्री नरेंद्र पुंडरीक शोज द बिहेवियर ऑफ द न्यू जनरेशन हु इग्नोर्स द ड्यूटी टू द एल्डरली। हियर वी कैन सी द पेन ऑफ द ब्रोकन फैमिली रिलेशनशिप। The summary of the poem which we discussed today is as follows. The mother herself was a bridge between the children. The train, which is the life of the children, passed smoothly without any hindrance through the mother, which is the bridge. After the death of their father, mother was a bridge for the children. But as time passes, mother became physically and mentally weak. The children began to realize that their mother become old. Okay? बच्चों, आज की कक्षा यहां समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।